Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you. In the adjoining figure, the area of parallelogram is 40 cm square. If PQ is the median of CDP, find the area of PDQ. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो हमें गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. PQ हमें गिवन है CDP का जो कि है मीडियन. हमें निकालना है एरिया ऑफ PDQ. सो गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि है ABCD कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट थिंग जो हमें गिवन है वो है PQ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PDC. सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ. हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ निकालने के लिए हमें किन किन स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट होगी. स्किल सेट्स आपको पता होना चाहिए क्या कि जो PQ है इफ PQ इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PDC देन इट डिवाइड्स ट्राइंगल PDC इन टू इक्वल ट्राइंगल्स. हमें पता होना चाहिए जो कि मीडियन है वो एक ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC है वो हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD का. सो हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर. हाफ ऑफ 40 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. फर्स्ट थिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC ए हाफ क्यों होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के. बिकॉज इफ ए ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैज सेम बेस एंड सेम एल्टीट्यूड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अगर कोई भी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के बीच में सेम एल्टीट्यूड है और सेम बेस है. यहाँ पर बेस क्या है DC. DC पे ही आपका PDC बन रहा है और DC बेस है किसका ABCD का. तो बेस आपका क्या होगा DC और एल्टीट्यूड आपका क्या होगा PQ. तो आप देख रहे होगे सेम बेस है और एल्टीट्यूड भी दोनों में सेम है. देयरफॉर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है PDC वो हाफ होगा किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD का. नाउ हमारे पास PDC की वैल्यू आ गई है. नाउ एज PQ क्या है हमारा मीडियन है. एज PQ इज द मीडियन ऑफ
triangle PDC. Therefore, area of triangle PDQ, area of triangle PDQ is equals to half of area of triangle PDC, which is equals to half of PDC का area था हमारे पास 20 centimeter. Putting the value of PDC is 20 centimeter, we got value of PDQ, that is 10 centimeter square. एक बार देख लेते हैं हमने क्वेश्चन को किस प्रोसीजर से करा है. आपको गिवन था एक पैरेललोग्राम जिसका एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. PQ हमें मीडियन गिवन था, हमें निकालना था एरिया ऑफ PDQ. स्किल सेट्स हमें रिक्वायरमेंट हमें पता होना चाहिए कि जो एक मीडियन होता है वो किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका PDC है वो हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD के. सो हाफ क्यों है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के, बिकॉज अगर कोई भी ट्रायंगल और पैरेललोग्राम अगर सेम बेस पर है और उन दोनों के बीच में सेम एल्टीट्यूड है तो जो उसका एरिया होगा ट्रायंगल का वो पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ PDC. ऑल्सो इन PDC में PQ क्या है आपका मीडियन है, और मीडियन क्या करता है किसी भी एक ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है. तो एरिया ऑफ PDQ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.